अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसलों से काफी सुर्खियों में रहते हैं। वहीं खबर आ रही है कि ट्रंप अपनी चैरिटी संस्था ट्रंप फाउंडेशन के अलावा भारत में चल रही अपनी कई परियोजनाओं को बंद कर सकते हैं। परियोजनाओं को बंद करने को लेकर बताया जा रहा है कि ट्रंप राष्ट्रपति पद संभालने के बाद हितों के टकराव की संभावनाओं को रोकने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। वहीं इस फैसले के बाद ट्रंप कई देशों में चल रहे अपने प्रोजेक्ट को बंद करने पर विचार कर रहे हैं, जिनमें भारत में चल रहे प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। भारत के अलावा ब्राजील, अर्जेंटीना, अजरबैजान में भी कई अधूरी या पूरी हो चुकी परियोजनाओं को बंद होने की बात की जा रही है। जानकारी के अनुसार उत्तर अमेरिका के बाद ट्रंप की रियल एस्टेट के सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट भारत में हैं। इसमें पुणे, मुंबई, गोवा और हरियाणा में 16 से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं। ट्रंप समूह के कारोबार के भारतीय प्रतिनिधि कल्पेश मेहता के मुताबिक भारत में ट्रंप के 150 करोड़ डॉलर के 5 नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बाकी कई प्रोजेक्ट पूरे होने वाले हैं। साथ ही अगले साल 3 और प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी है। तो ट्रंप भारत में चल रही परियोजनाओं को बंद कर सकते हैं। उधर चंदा इकट्ठा करने में न्यूयॉर्क कानूनों के उल्लंघन के आरोपों में ट्रंप की चैरिटी संस्था की जांच भी चल रही है। देखते रहिए डीवी लाइव।